दो दिन से घर से लापता युवक की गला रेत कर हत्या, स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया। सोनभद्र घोरावल कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर से दो दिनों से काम पर गए युवक का शव रॉबर्ट्सगंज मार्ग पर बेलन नदी में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान करवाई तो युवक की पहचान संतोष कुमार भारती पुत्र रामनाथ उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 01 घोरावल के रूप में हुई। युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या किया गया था। युवक के शव की पहचान होते ही परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए और घोरावल रॉबर्ट्सगंज सड़क को जाम कर जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं घंटों जाम की खबर के बाद मौके पर पहुंचे एएसपी व सीओ ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खोलवाया। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि घोरावल कोतवाली क्षेत्र के वार्ड 01 निवासी संतोष कुमार भारती पुत्र रामनाथ उम्र 25 वर्ष पिछले दो दिनों से लापता चल रहा था। 29 तारीख को ललन नाम का युवक संतोष को किसी काम से घर से बुलाकर ले गया था और ललन ने ही बताया कि शाम तक संतोष को छोड़ देंगे, पर 30 तारीख को जब संतोष घर नहीं पहुंचा तब परिजन स्थानीय पुलिस के पास गए, पर पुलिस ने कोई कार्यवाही किए बिना परिजनों को घर लौटा दिया था। परिजनों द्वारा 30 मार्च को घोरावल कोतवाली व चौकी में नामजद तहरीर दिया था, पर आज संतोष का शव रॉबर्ट्सगंज मार्ग पर बेलन नदी में मिला, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने घोरावल मेन तिराहे पर जाम लगा दिया। जाम के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में मौके पर पहुंचे एएसपी कालू सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खोलवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं एएसपी कालू सिंह ने बताया कि ललन नाम का युवक मृतक को 29 तारीख को घर से बुलाकर ले गया था, पर दो दिनों तक संतोष घर नहीं पहुंचा। आज संतोष का शव बेलन नदी में तैरता हुआ मिला है। परिजनों के तहरीर के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। मिला है इसमें ये क्या मामला है, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? ये 29 तारीख की सुबह 9 बजे जो बॉडी मिली है संतोष की, इनके पिता रामनाथ ने बताया कि सुबह 9 बजे ललन आए थे कि पिकअप गाड़ी से कि थोड़ा सामान उतरना है मंडी में, वहाँ चले तो उसको ले गए और लेकिन लड़का उसके बाद वापस नहीं आया। तो उन्होंने उससे पूछा कि लड़का कहाँ है, कह रहे लड़का आपका कल तक आ जाएगा। तो कल 30 तारीख में शाम को ये पता चला कि अभी नहीं आया है लड़का। फिर आश्वासन उन्होंने दिया कि कल तक आ जाएगा। इस सूचना पर जब इन्होंने प्रार्थना पत्र थाने पर दिया तो थाने की सारी टीमें हमारी तुरंत सक्रिय हुई, सारे नंबर्स को देखा गया तो बहुत सारे नंबर बंद आए, तो इस पर संदेह पैदा हुआ कि कोई ना कोई घटना निश्चित रूप से संभावित है, हो सकती है। आज हमारी टीमें जो काम कर रही थी तो ये सूचना दी गई कि एक बॉडी कर्री के बड़ा गाँव के पास में पुलिया के नीचे है, तो जो वादी है उनको ले जाकर दिखाया गया, तो उन्होंने पहचान करी कि ये बॉडी उनके बच्चे संतोष की है। तो इस पर कल ही मुकदमा लिखा दिया गया था और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग खिलाफ मुकदमा है? अभी 3 लोगों के खिलाफ है, ललन है, निशु शाह और मिट्टू के खिलाफ लिखा गया है। धन्यवाद जी।